नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारी भारतीय सेना ने एक नया फैसला लेने का सोचा है, अभी वो फैसला आया नहीं है। ये एक प्रपोजल है जो इंडियन आर्मी ने, आप कह सकते हो, अपनी अथॉरिटी से मांगा है। ठीक है, तो ये एक प्रपोजल है, इसको कब इंप्लीमेंट किया जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये आपके लिए एक बैड न्यूज भी हो सकती है और एक गुड न्यूज भी हो सकती है। दरअसल हमारी इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने 3 साल के लिए आम लोगों को भर्ती करने का निर्णय लेने की एक प्रपोजल जो है वो आगे भेजा है कि 3 सालों के लिए आपको नौकरी जो है वो मिला करेगी। इसको उन्होंने नाम दिया है टूर ऑफ द ड्यूटी। टूर ऑफ द ड्यूटी नाम जो दिया गया वो इसलिए दिया गया ताकि आप लोग एक किस्म की मिलिट्री जो सर्विस होती है, जो मिलिट्री की लाइफ होती है, मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है, अपने आप को उसमें, आप उस माहौल में लेकर जाएं और उसको समझ सके कि आखिर ये है क्या। या फिर आप कह सकते हो जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, कुछ समय के लिए ही सही लेकिन जरूर। जैसे आप एक किसी भी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप करने के लिए जाते हैं, 2 सालों की ट्रेनिंग आपको मिलती है, 3 सालों की ट्रेनिंग मिलती है, सैलरी मिलती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है पीरियड। सो दिस इज लाइक दैट, ये आप कह सकते हो। तो इसमें ये भारतीय सेना ने एक प्रपोजल दिया है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल लाइफ हिंदुस्तान पे दिया गया है, काफी सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा रीड करके इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो बता देता हूं। इसके पहले आपको अगर पता हो तो दोस्तों, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन करके कोर्स, जिसमें 10 से 14 सालों की आपकी पीरियड होता है, तो वो भी एक टाइम है, ठीक है। लेकिन अब इसको भी छोटा टाइम कर दिया गया है, मतलब वो तो है ही, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह ही समझ लीजिए एक नया कोर्स लाया जाएगा जिसमें 3 सालों के लिए आपको जॉब जो है वो दी जाएगी। रही बात दोस्तों सिलेक्शन की, तो जैसा कि आपको पता ही है कैसे होती है सिलेक्शन, रनिंग होती है, रिटर्न होता है, पुशअप्स होते हैं, चेस्ट को नापा जाता है, तो वो सारा का सारा पार्ट जो है वो आपका इंक्लूडेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप इसके लिए हमारी जो प्लेलिस्ट है इंडियन आर्मी स्पेशल टॉपिक्स की, इंडियन आर्मी सिलेक्शन की जो वीडियोस है, प्लेलिस्ट है, उसको देखिए, आपको पता चलेगा। और इसके पीछे जो मेन डिसीजन है गवर्नमेंट का लेने का आर्मी का, वो है कि एक्चुअली इन्होंने कहा कि हम लोग जो शॉर्ट सर्विस कमीशन का कोर्स करते हैं उसमें इनका 10 सालों में तकरीबन 5 से 12 करोड़ या फिर 14 वर्ष का कह लीजिए तो 6.83 करोड़ का खर्चा आता है एक किसी सैनिक को जब ये लेते हैं, तो ठीक है, मतलब जब भी इस तरह के कोर्सेस आते हैं। तो गाइज इसमें कहा है कि अगर ये लोग इस तरह से एक रिक्रूटमेंट करते हैं तो तकरीबन 80 से 85 लाख का तकरीबन खर्च आएगा। तो यहां पे इंडियन आर्मी एक तरफ आपको सेना की सर्विस देना चाहती है, सेना के से रूबरू करवाना चाहती है, देश की सेवा करवाना चाहती है, दूसरी तरफ थोड़ा अपना पैसा भी बचाना चाहती है, जिसमें इनको पेंशन का फायदा हो जाएगा, ग्रेच्युटी का फायदा हो जाएगा, क्योंकि जब आप 3 साल की जॉब करके आएंगे तो फिर आपको पेंशन देनी नहीं पड़ेगी। तो यह चीज इंपॉर्टेंट है, इस तरह से खर्चा जो है बचाया गया है। गाइस बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट की, तो जब आपके पास इंडियन आर्मी का बेनिफिट होगा तो गाइस आप वॉचमैन की टोकरी पा सकते हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहोगे तो आप इंडियन आर्मी का सर्टिफिकेट लेके जाते हो तो आपको बड़ी जल्दी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट में ही सही लेकिन एक्सपीरियंस होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इंडियन आर्मी के एक्सपीरियंस से मिलेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, आप सेल्फ डिफेंडेंट होंगे, आर्मी वाले कैसे होते हैं वो चीजें आपको पता चलेगी और देश का मौका मिलेगा। तो आप इस पूरे आर्टिकल को जरूर रीड कीजिए, मैं समझ आएगा .in के ऊपर इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।